हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी। ये है ट्यूटोरियल नंबर 17 और इसमें हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में। सो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं और एक मेथड को भी हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या मतलब होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या मतलब होता है। सो आइए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 17। जैसे कि हम पहले बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती। दैट मीन्स एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, उसकी डेफिनेशन हम नहीं देते हैं। तो अब बात होती है कि अगर डेफिनेशन नहीं होती तो उसका यूज़ क्या है। उसका यूज़ ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करने के लिए आपको एक डिराइव क्लास बनानी पड़ेगी और उसमें उस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की एक प्रॉपर्टी होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप आगे जाके देखोगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के टाइम पे काम भी आती है। एंड दैट प्रॉपर्टी इज कि कंपाइलर आपको फोर्स करता है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिराइव क्लास के अंदर ओवरराइड करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका प्रोग्राम नहीं वर्क करेगा। सो एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज़ नो बॉडी and it is necessary to provide its implementation in the derived class. So ये बहुत ही ज़्यादा important point है इसका। अब करते हैं abstract class क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो abstract class को instantiate नहीं कर सकते, that means हम उसका object create नहीं करते, and the implementation must be provided in the derived class to use it. मतलब आप एक abstract class तो बना सकते हो बट उसको यूज़ करने के लिए आपको उसे डिराइव करना पड़ेगा एक चाइल्ड क्लास के अंदर। देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इट कंटेन्स बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, सो बेसिक बेसिक मोटा मोटा क्या समझ में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट करते और उसको यूज़ करने के लिए आपको एक डिराइव क्लास के अंदर उसे डिराइव करना पड़ता है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की अपनी कोई बॉडी नहीं होती, अगेन उसको यूज़ करने के लिए आपको उसे एक डिराइव क्लास के अंदर ओवरराइड करना पड़ता है। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड सीधा सीधा लिंकिंग हो रही है इसका इनहेरिटेंस से। सो नाउ वी विल गो टू द प्रोग्रामिंग पार्ट, और वहाँ पे अब हम डायरेक्टली देखेंगे कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे उसका एग्जाम्पल को स्टडी कर सकते हो। सो नाउ लेट अस मूव टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। तो मैं दो क्लासेस बनाता हूँ, पहले मैंने बनाई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको सिंपल कीवर्ड यूज़ करना है। सो क्लास का नाम मैंने रखा ए, ठीक है। सो पब्लिक, सॉरी यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखना है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, एक मैथड क्रिएट कर रहा हूँ, और उसको मैं एज एब्स्ट्रैक्ट मैथड ले रहा हूँ। सो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void m1। एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको इसके आगे सिंपल सेमी कॉलन लगा देना है, इसको डिफाइन नहीं करना है। अब जब हमने कहा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप के मेथड्स हो सकते हैं, तो अब हम इसके अंदर एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाने की कोशिश करेंगे। सो पब्लिक void m2 मैं बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन को यूज़ करके m2। सो अभी तक मैंने इतना लिखा है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास, और उसके अंदर मैं क्लास ए को इनहेरिट करूँगा। सो क्लास बी जो कि इनहेरिट कर रही है क्लास ए को। अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे इस m1 को ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर मैं ओवरराइड नहीं करता हूँ तो क्या मेरा प्रोग्राम रन करेगा। तो एक बार ट्राई करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया, इसने एरर दिया। एरर क्या आ रहा है, बी डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर ए डॉट m1। मतलब क्लास बी ने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं किया है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ओवरराइड इट। नाउ दिस टाइम यू हैव टू मेंशन दिस ओवरराइड कीवर्ड। सो पब्लिक ओवरराइड, किसको ओवरराइड कर रहे हैं, m1 को।
So we will write this M1, and here you have to write something ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है. सो मैं यहाँ पे सिंपल M1 प्रिंट करवा रहा हूँ. सो इतना हो गया. यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिराइव क्लास के अंदर ओवरराइड करना कंपलसरी है. अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ. सो व्हाट आई एम डूइंग इज क्लास ए का मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ. अगेन इसको मैं देखता हूँ कि क्या ये रन कर रहा है, तो एरर आ गया. एरर क्या आया, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस ए. दैट मीन्स मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकता, उसके इंस्टेंसेस क्रिएट नहीं कर सकता. ये हमने अभी थ्योरी में पढ़ा कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. अब क्या करेंगे हम, वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास बी. अब मैं अगर देखो बी से M1 कॉल कर रहा हूँ तो क्या होगा, M1 तो इनहेरिट हो ही गया है, और सॉरी M1 को तो मैंने ओवरराइड कर ही दिया, तो M1 प्रिंट होगा सिंपल. और अगर मैं बी से M2 कर रहा हूँ तो क्या होगा, क्योंकि M2 यहाँ पे डिफाइंड था जब मैंने इसको इनहेरिट किया, तो M2 की डेफिनेशन बी में भी आ गई, तो ये भी कॉल हो जाएगा. सो नाउ आई कैन रन दिस प्रोग्राम विदाउट एनी एरर, और आपको आउटपुट मिला M1 एंड M2. सो दिस इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.